लोकसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 10 सालों में एक तरफा मिली जीत को दोहराने में इस बार बीजेपी को पसीने आ सकते हैं। लोकसभा चुनावों की कुछ ऐसी ही सीटों की हम बात कर रहे हैं जहां चुनावी काफी टक्कर और रोमांच से भरा हुआ है, और इनमें से एक सीट है टोंक स्वाई माधोपुर की। नमस्कार, मैं सुनील कुमावत और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज की खास पेशकश चुनावी नगरी। पिछले 10 सालों से मोदी के चेहरे पर राजस्थान भाजपा का गढ़ बना हुआ है। पिछले 10 सालों में ना केंद्र की सरकार बदली और ना ही चुनाव लड़ने वाला चेहरा। एक बार फिर मोदी के चेहरे पर देश में चुनाव लड़ा जा रहा है। राजस्थान की 25 सीटों में से हम आज उस सीट की बात कर रहे हैं जिस पर भाजपा ने फिर से तीसरी बार उसी प्रत्याशी को मौका दिया है जो लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। आप समझ ही गए होंगे यहाँ किस सीट की बात हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की उस लोकसभा सीट की जो बनास नदी के किनारे पर बसी राजस्थान की एकमात्र नवाबी रियासत रही है, जिसके खरबूजे की बात करें तो उसका मीठा स्वाद दूर दूर तक मशहूर रहा है। और जिस नवाबी रियासत के मोगरे के फूल की खुशबू देश ही नहीं विदेश तक पहुंचती है। आपने कई बार उस शहर का नाम सुना होगा। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के टोंक शहर की, जिसे कांग्रेस नेता सचिन पायलट का गढ़ भी कहा जाता है। अब टोंक में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। टोंक स्वाई माधोपुर लोकसभा सीट 2008 में नए परिसीमन के बाद वर्ष 2009 में जाकर अस्तित्व में आई है। इस सीट पर पिछले 3 चुनावों में से 2 बार भाजपा तो 1 बार कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। मीणा गुर्जर अल्पसंख्यक मतदाताओं बाहुल्य वाली इस सीट पर दोनों ही पार्टियां जातिगत समीकरणों को ध्यान रखते हुए टिकट देती रही है। भाजपा ने जहां पिछले 3 चुनावों में गुर्जर जाति के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने 2 बार मीणा जाति से तो 1 बार अल्पसंख्यक प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। वर्तमान में भाजपा के सुखवीर सिंह जौनापुरिया सांसद है, जिन्होंने लगातार चुनावों में जीत दर्ज की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से लगभग 22 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस गुर्जर और मीणा जाति के प्रत्याशियों पर दाव खेलती आई है, और एक बार फिर से मीणा जाति पर ही कांग्रेस ने दाव खेला है। टोंक स्वाई माधोपुर सीट पर भाजपा ने लगातार 2 बार सांसद रह चुके प्रत्याशी सुखवीर सिंह जौनपुरिया को एक बार फिर से टिकट दिया है। अब इस सीट पर सुखवीर सिंह जौनपुरिया की टक्कर देवली उनियारा विधायक हरीश मीणा के साथ होगी। हरीश मीणा ने राजनीति में प्रवेश किया और 2014 में भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने राजस्थान के दौसा निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने 7 दिसंबर 2018 को राजस्थान विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 14 नवंबर 2018 को भाजपा छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्तमान में देवली उनियारा सीट से विधायक हैं, जो कि सचिन पायलट के बहुत करीबी माने जाते हैं। टोंक स्वाई माधोपुर की सीट की बात करें तो इस सीट पर गुर्जर और मीणा समुदाय का बाहुल्य माना जाता है, और इसी वजह से इस बार गुर्जर और मीणा उम्मीदवार के बीच मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। यह मुकाबला रोमांचक इसलिए भी है क्योंकि पायलट गुट टोंक के करीबी हरीश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जिनके टिकट की पहली सिफारिश खुद सचिन पायलट ने ही की थी। अब ऐसे में इस सीट पर सचिन पायलट की भी साख दांव पर लगी हुई है, और एक तरफ भाजपा की तरफ से 2 बार सांसद रह चुके सुखवीर सिंह जौनपुरिया क्या इस बार अपनी जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि इस बार कई कारण ऐसे हैं, कई बातें ऐसी हैं जो सुखवीर सिंह जौनपुरिया के लिए घातक साबित हो सकती है। सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने वर्ष 2014 में 5,48,537 वोट हासिल किए थे। उस समय कांग्रेस के मोहम्मद अजरुद्दीन 4,13,031 वोट मिले थे। करीबन उस समय सुखवीर सिंह जौनपुरिया 1 लाख वोटों से चुनाव जीत गए थे। वहीं बात करें लोकसभा चुनाव 2019 की, तो इस चुनाव में उनको 6,44,319 वोट मिले और कांग्रेस के नमोनारायण मीणा को 5,33,000 कुछ वोट मिले। और इस चुनाव में भी सुखवीर सिंह जौनपुरिया कांग्रेस पर भारी पड़े। अब बात करें इस लोकसभा चुनाव में नमोनारायण मीणा के छोटे भाई हरीश मीणा को कांग्रेस ने स्वाई माधोपुर से टिकट दिया है।
ऐसे में अपने भाई नमोनारायण मीणा का बदला लेना भी हरीश मीणा के लिए एक अच्छा मौका रहेगा। वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सुखबीर सिंह जौनपुरिया को हरियाणा से राजस्थान लाकर चुनाव लड़ाया और जौनपुरिया ने पहले चुनाव में कांग्रेस के अजरुद्दीन को तो दूसरे चुनाव में कांग्रेस के नमोनारायण मीणा को हराया। उसके साथ ही जौनपुरिया क्षेत्र में लगातार रहने के साथ ही सामाजिक सरोकार के कार्यों में जनता के साथ जुड़े रहे। वहीं संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र की गौशालाओं की आर्थिक मदद के साथ ही सांसद खुद के खर्चे से पिछले 8 सालों से गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सांसद रसोई भी चला रहे हैं, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए भी की है। वहीं सांसद ने टोंक में आवास भी किराए पर ले रखा है और वह निरंतर जनता के बीच रहे हैं। लेकिन कुछ कमियों के कारण इस बार सुखबीर सिंह जौनपुरिया को डर भी सता रहा है, क्योंकि इस बार उनको टोंक भाजपा कैडर में हो रहे कार्यकर्ताओं के गुट से भी काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में टोंक जिला अध्यक्ष अजीत मता है और माना जाता है कि टोंक की भाजपा में 2 गुट है, जिसमें 1 गुट अजीत मता का और दूसरा गुट वर्तमान सांसद प्रत्याशी भाजपा सुखबीर सिंह जौनपुरिया का। अगर सीधी बात करें तो टोंक में गुटबाजी ज़्यादा देखी जा सकती है। इन दोनों के बीच सियासी दूरी खत्म करने की कोशिश तो की जा रही है, मगर अंदर ही अंदर सुखबीर सिंह जौनपुरिया को डर भी सता रहा है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया हरियाणा निवासी है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोरों पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ले रहे हैं और कई जगह पर कार्यकर्ताओं के साथ नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। अभी बीते दिनों में ही मालपुरा में कार्यकर्ताओं से उनको विरोध झेलना पड़ा। बाद में मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने मामले में सुलह भी करवाया। तो ये थे टोंक सवाई मधुपुर सीट का चुनावी समीकरण, जहां कांग्रेस बीजेपी के बीच ना होकर दो बड़े समुदाय में हो रहा है। एक तरफ वर्तमान देवली उनियारा विधायक हरीश मीणा है, जिनको टोंक के विधायक और सचिन पायलट का साथ है और उनकी सीधी टक्कर 2 बार सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया से हैं। ऐसे में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही भाजपा के सुखबीर सिंह जौनपुरिया क्या इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। अगली कड़ी में ऐसी एक और सीट से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।